क्या बात है MSK भाई BSK ये सही में डेंजरस लग रहा है इसमें। ये देखो फट रहा है ना, गंदा हो रहा है। मेरा नाम है सलमान खान। सलमान खान शुद्ध गुड़। ये MSK के छोटे भाई BSK मेरा पूरा जूता भींग गया था। मैं वहां पे पहुंचा और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने गांव की जो है किसी गरीब मोहल्ले में आ गया। गाना सुन रहा क्या? चला ले यार, मैं भी सुन ही लेता हूँ फिर। सही कह रहा, बढ़िया है। अब हमारा सेम होता है ना, पता कनेक्ट होगा तो हम लोग गाने के बीच में बात भी कर सकते हैं। हाँ। भी सुन सकते हैं। अबे अच्छा, अब यहाँ से दोस्तों निकल रहे हैं हरिद्वार में। हमें थोड़ा सा काम पड़ गया पतंजलि में। एक दोस्त का फ़ोन आ गया, एक अर्जेंट फैमिली मेम्बर का फ़ोन आ गया हरिद्वार में। पतंजलि में कुछ हमें पता करना है, एक छोटा सा काम है, वहाँ रुकेंगे और उसके बाद फिर आगे चलेंगे। अब अच्छी खासी धूप हो गई है और बाइक चलाने में मज़ा आ रहा है। दोस्तों ये हम पहुंच गए हरिद्वार। हरिद्वार यहाँ पे, ये पूरा एरिया हरिद्वार ही है। अब यहाँ से ऋषिकेश करीब 30 से 35 किलोमीटर है हार्डली। जहाँ पे हमें जाना है वो थोड़ा सा 10-20 किलोमीटर और आगे है, शिवपुरी में जाना है हमें, जहाँ पे राफ्टिंग कैंप्स हैं हमारे। और बेसिकली यहाँ से आपको पहाड़ के दर्शन मिलने शुरू हो जाएंगे। और अगर मेरा कैमरा जस्टिफाई आई डोंट नो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको सामने हल्के से पहाड़ के दर्शन होंगे। और जब हरिद्वार से आप आगे बढ़ते हैं तो ऋषिकेश वाले पहाड़ी और पर्वतमाला शुरू हो जाती है। वो हल्की से आपको पर्वतमाला दिख रही हैं और देखने में अच्छा लगता है। और यहाँ से काफ़ी कुछ बदल गया दोस्तों। मैं काफ़ी दिन के बाद हरिद्वार वाले रास्ते से निकल रहा हूँ, क्योंकि पहले बहुत ट्रैफिक लगता था, आज तो बिल्कुल ही ट्रैफिक नहीं है यहाँ पर। हो सकता है आगे थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिले। दोस्तों यहाँ पे हम रुक गए हैं ऋषिकेश से थोड़ा सा पहले, और अभी यहाँ पे 24 किलोमीटर है और अभी घड़ी बजे में टाइम हो रहा है करीब 2। हम थोड़ा लेट हो गए क्योंकि फ़ोटो खिंचाते हैं और सब कुछ एंजॉय करते आ रहे हैं और अभी सारे आराम कर रहे हैं। विश्वनाथ भाई, दीपक भाई, मैडम और मैं गन्ने का जूस पीते हैं और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। मैं कह रहा हूँ हम लोग सीधे शिवपुरी जा रहे हैं ना फिर। हाँ ठीक है, हम लोग गबड़ा कहाँ से, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे यार, जहाँ से आपको यहाँ पीछे वाले पे मुड़े होते मुड़े हो ना। हाँ। उस पर नहीं जाते, आपको दाएं मुड़ बना था, टी पॉइंट बना था, टी पॉइंट ये। अच्छा, ये पुलिस वाला खड़ा था जो ऐसा ऐसा कर रहा था। हाँ 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 हाँ। तो आप इधर आते हैं। अरे तो वो फोन तो बताना चाहिए था मुझे, क्या पता। ऋषिकेश लिखा भी था उसमें, ऋषिकेश पहले छूट गया, लेकिन हम लोग थोड़ा ऋषिकेश क्रॉस कर गए थे। बीच में बोला तो होता किसी ने, हाथ तो दिया होता। मैं अकेले कन्फ्यूज नहीं थे, सारे कंफ्यूज थे ऐसे कहो। मैं भी तो दिखाई रहा है, हम जहाँ जा रहे थे ना, जाते थे वहीं पे, ये लंबा रास्ता है बस, ये जान लो। चलो कोई बात नहीं, बैठो, बिना चालू करे जा रहे हम तो। हाँ हम तो न्यूट्रल पे चला, बैठो बैठो बैठो, हम तो न्यूट्रल पे चला। हाँ ठीक है, तेल बचाओ, जो गया तेल अब बचाएंगे उसको, कोई बात नहीं।
है। हाँ तो शिवपुरी जो है आप जब उधर आगे बढ़ेंगे ना, से हम ये घुमावदार रास्तों पर जा रहे हैं अपने जंगल वाले कैंप में, और जंगल कैंप यहाँ से करीब 10 से 12 किलोमीटर है, हार्डली 20 मिनट लगेगा। गूगल मैप में दिख रहा है 23 मिनट। ठीक है सर, आगे बढ़ो। हेलो, आ जाओ। और आ जंगल कैंप, ऑफ रोडिंग शुरू। और दोस्तों हमारा असली ऋषिकेश एडवेंचर यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि एक तो हम वैसे ही काफ़ी लेट हो चुके थे, और उसके बाद हमें पहुँचते पहुँचते यहाँ पे करीब 3:30-4 बज गए थे, जो हमें 12 बजे पहुँच जाना था। और अभी तक हमने अपने कैंप को देखा भी नहीं था एक बार भी, और कैंप भी नदी के किनारे बहुत अंदर जाके था, और हम बड़ी मुश्किल से कच्चे रास्तों पे, एडवेंचर वाले रास्तों पे, अगर आपने स्पीति वैली या लद्दाख किया होगा तो उस तरह के, उस स्टैंडर्ड के रास्ते थे, और बीच में कई तरह के हमने रेलवे टनल्स पार किए, कई तरह के छोटे छोटे जो वाटर क्रॉसिंग थी उसको पार किए, कुछ दोस्तों की गाड़ियां भी वहां पे फंस गई। उधर कॉर्नर से, कॉर्नर से, हाँ सीधे निकालो, सीधे निकालो, हाँ हाँ निकालो निकालो निकालो, ठीक है आना आना, चल यार ये तो उसको तो वीडियो चाहिए। अरे निकाल, आ जाओ उधर से, उधर से, हाँ उधर से आना, उधर से, हाँ कॉर्नर पकड़ के, अरे है कौन सा, कौन सा है ये, तीसरा पानी है ये, वो उधर भी तो तीसरा था, वैसे वो तो मेरे ख्याल जंगल है ना, कोई बात नहीं, आ जाओ। कौन सा वाला ये हो रहा है, कोई बात नहीं, होता रहता था, सब सूख जाएगा। हमने तो स्पीटी किया, हमें तो आदत है नालों की कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या भाई क्या हो गया, अभी स्टार्ट मत करो, थोड़ा वो हो गया तो रिलैक्स कर दो, आ जाएगी गाड़ी। आ गए भाई, पहुंच गया, वरा जंगल क्या भैया, वरा तो लिखा तो नहीं है, नाम अंदर ही है कहीं, आइए जिसमें अंदर, जिसमें भी अंदर है क्या, हम कैंप तक पहुंचे, और कैंप को देख के हमारा मूड बिल्कुल ख़राब हो गया, क्योंकि जो फोटो में जो वीडियो में कैंप है और जो हमें सामने दिखा और जो व्यवस्था दिखी, इनफैक्ट किसी को भी नहीं पसंद आई, मतलब ना ही उनका इंतजाम किसी भी तरीके का कोई अच्छा था, ना ही उनके पास वॉशरूम साफ़ सुथरे थे, ना सोने की जगह थी, इनफैक्ट मतलब मैं ज़्यादा तो डिग्रेड नहीं करूँगा किसी कैंप को, लेकिन हाँ एक दो दोस्त वहाँ पे पहले गए हुए थे, और जो पहले के हालात थे और अब के हालात में काफ़ी अंतर आ चुका था, तो हमारे साथ बहुत बड़ी बुगली हुई थी, और अब हम बड़ी मुश्किल से बस इस तलाश में थे कि कोई कादी की जगह हमें रुकने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि हमारा दिमाग और हमारा पेट बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था। और जल्दी से हम वहाँ से निकले, हमने बिल्कुल डिनाई कर दिया कि नहीं सर, हम अपने कैंप में, ये वाले कैंप में नहीं रुकेंगे। वो तो अच्छा हुआ कि हमने कोई प्री बुकिंग नहीं करा रखी थी। तो आपको भी सजेस्ट यही करूँगा दोस्तों कि अगर आपको बहुत अनुभव नहीं है कैंपिंग का, या बहुत सी चीज़ें आप सिर्फ नेट पे देख के और लोगों से फ़ोन पे बात करके अपनी पूरी फैमिली स्पेशली वाइफ को या बच्चों को लेके जा रहे हैं, तो पहले थोड़ी रिसर्च कर लीजिए, और या आसपास के एरिया में रह के देख लीजिए। तो ये सारा कुछ हुआ, और बड़ी मारामारी में हमने एक पास का ही होटल ले लिया, और वहाँ पर कम से कम सुख शांति से हमने अपना बैग फेंका, नहाए धोए, रिलैक्स किया, और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। तो दोस्तों बड़े
खोजबीन के बाद एक होटल हमें पसंद आया, आपने पीछे भी देखा कि हमने अचानक से मतलब हम वहाँ पे पहुँचे और क्या नाम है, क्या नाम था उसका, शिवपुरी ना ना वो हमारे कैंप का क्या नाम था, औरा कैंप। हाँ औरा कैंप, तो अभी देखो किसी कैंप की बदनामी नहीं कहूँगा लेकिन अब ये अलग बात है कि भाई हमें नहीं जमी वो जगह और हम सारे दोस्त वहाँ पे पहुँचे थे, फैमिली के नहीं था, वो रिमोट है, नहीं है, नहीं कभी था लेकिन हम इतने साल के बाद है ना, तो वो चीज़ नहीं है। अब औरा कैंप वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग कभी औरा कैंप में रुके हो तो उसको आप मतलब डिग्रेडेशन की तरह मत लेना, मतलब कोई देखो ये ना हर साल गंगा जी में पानी आता है, ठीक है, पानी आने के बाद होता क्या है कि वो जो अभी सेटअप है इनका ये पूरा बह जाएगा, मतलब हटा देते हैं ये। अच्छा। उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर फिर लगाते हैं सीजन दोबारा जब चालू होता है, जब पानी खत्म हो जाता है, तो इस वजह से ये लोग इस बार क्या करा है इन्होंने टेम्परेरी जैसे तैसे लगा दिया है। हाँ, था जिसकी वजह से हम मतलब अल्टीमेटली हमने जो सोच हम सोच के आए थे वो चीज़ मिली नहीं और जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से एक होटल मिला और हमारी किस्मत अच्छी थी कि होटल उसके पास ही मिल गया और बहुत अच्छा मिल गया, होटल चाणक्य है ना, होटल चाणक्य है, हम अब डिटेल में आपको बताएंगे अगली वीडियो में बताएंगे। और धीरज भाई वहाँ पे क्या आपका अनुभव रहा है वो कैंप को लेके, वो थोड़ा शेयर करें। बहुत 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 घटिया, बहुत घटिया। घटिया मतलब कह सकते हैं अगर वो मिल गया होता होटल, अगर उसी में कैंप में रहना होता रात को नींद नहीं है तो ले लेकिन ये बात है कि वहाँ कैंप में पहुंचने का जो रास्ता था उसने सिटी वैली का याद दिला दिया और हमारे हमारे साथ एक ही ऐसा बंदा था जिसने एक बूंद पानी से मतलब एक बूंद पानी और जूते बचा बचा के चले, मेरा पूरा जूता भींग गया था। मैं वहाँ पे पहुंचा और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने गाँव की जो है किसी गरीब मोहल्ले में आ गया। गरीब मोहल्ले में आने के बाद बर्तन भी साफ करना पड़ेगा। अच्छा कैंप की बात कर रहा है, कैंप की बात कैंप में पहुंचने वाला बर्तन तो लेकिन लेकिन रास्ता स्पीडी वैली वाला फील था, अगर किसी को ऑफ रोडिंग करनी है किसी के साथ आए तो अच्छा था, जाऊं बाइक लेके। हां अगर आपको वाकई में स्पीडी वैली में एक मूवी थी उसमें बोला था गंगा नदी का नाले में कूदा दिया तो वही हाल हुआ गंगा बोल के नाले में कूदा दिया, रन मूवी थी, रन मूवी, रन वाला रन गंगा बोल के छोटी छोटी गंगा बोल के ऋषिकेश में। अगर आपको वाकई में अगर ऑफ रोडिंग का मजा लेना हो ना तो मैं लोकेशन नीचे डाला हुआ आप देख लीजिएगा लिंक में। और लेकिन ये है कि कैंप का मजा नहीं है, कोई लग्जरी कैंप पहले से मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई भी जगह चाहे आप होटल में आते हो या कैंप में आते हो एक बार आप उसको पहले से देख समझ लीजिए और कोशिश करिए ऑलरेडी बुक करके आए, ये भी है ये बिल्कुल, क्योंकि जो भी लोग ऑनलाइन है ना वो स्पेसिफाइड होते हैं आप किसी भी वेबसाइट पे तो वो उनका क्या होता है कि स्टैंडर्ड होता है, अगर आप स्पेशली फैमिली के साथ वाइफ के साथ आ रहे हैं दोस्तों के साथ चल जाता है, लेकिन अगर आप फैमिली लेके बच्चों को लेके आ रहे हैं तब आप फंस सकते हैं। बिल्कुल, तो कोशिश करिए कि आप पहले से बुक करके आए। और यहाँ पे अच्छा बंदा हमें मिल गया था जिसकी वजह से हमें रूम अच्छा मिल गया और आज हम यहीं स्टे कर रहे हैं और शरीर बहुत थक चुका है और हम आज का कोई प्लान नहीं रहे, कल राफ्टिंग पे जाएंगे तो अगली वीडियो में आपको राफ्टिंग का सारा सीन दिखाएंगे और भाई का गोप्रो भिगाएंगे क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई सेटअप नहीं है कि मैं भी हम पानी में शायद मैं भी गोप्रो का जो वाटरप्रूफ होता है ना वो भूल गए हो। अरे ऐसा मत करो भाई, ऐसा मत करो, वो तो मैं जब लास्ट टाइम आया था तब सोचा था कि मैं अगली बार आऊंगा तो गोप्रो लेके आऊंगा। अच्छा मैं उसके बाद दो एक्शन कैमरा लिए और दोनों के केस में मैंने जानबूझ के पेचकस गरम करके छेद कर दिया ताकि उसमें माइक घुसा सकूं और नया पे जब केस मंगाने के मैं सोचा तब चाइना बंद हो गया, चाइना से इंडिया की लड़ाई हो गई है दोनों चाइना, अब केस आया नहीं है उसको मैं करूंगा तो देखो कोशिश करेंगे अगर चल जाए तो दोस्तों इस नोट पे इस वीडियो को एंड करते हैं और कल की वीडियो में विश्वनाथ भाई भी आपको इनके भी इनका भी चैनल का बीएससी व्लॉग्स है उनको भी देखिएगा स्टोरी आएगी और मेरे भी जो छोटे मोटे मतलब छोटे से सब्सक्राइबर हैं वो भी देखें, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, नहीं मैं कह रहा हूँ जो हाँ वो है आप देखिएगा। अगर आप देखो यूट्यूब पे हो और चाहे आपके एक सब्सक्राइबर हो चाहे एक मिलियन हो सब बराबर होते हैं, ठीक है, बस फर्क इतना है कि वो YouTube से कमा रहे हैं और हम लोग कमा नहीं रहे। अरे ठीक है वो डिफरेंट स्टोरी है, फन के लिए हम लोग डालते हैं और अब इसको एडिट कब कर पाऊंगा कब देख रहे हैं पता नहीं। दोस्तों रात को हम लोग इंजॉय कर रहे हैं हमने होटल में और हम अभी कल के लिए राफ्टिंग का भी देखा है, राफ्टिंग कहाँ से करनी है और हम सबसे लंबी वाली राफ्टिंग करेंगे जो कि 26 किलोमीटर की है और राफ्टिंग का वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। वैसे मैं गोप्रो नहीं लाया हूँ क्योंकि मेरे पास गोप्रो है नहीं कोई वाटर प्रूफ कैमरा, लेकिन अपने दोस्त जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं विश्वनाथ भाई उनके पास गोप्रो है तो कोशिश करेंगे कि उनके गोप्रो से आपको दिखा पाएं। और ये दोनों बच्चे झूला झूल रहे हैं और चूंकि इनका कैंप भी है तो यहाँ पे एक उन्होंने डमी कैंप बना के मार्केटिंग के लिए मतलब दिया है, मैं दिखाता हूँ आपको।
और ये प्रॉपर्टी काफी खूबसूरत है, चाणक्य के नाम से है, ऊपर देखिएगा यहाँ पे। और इस इसका लोकेशन भी यहाँ पे नीचे डाल रखा है दोस्तों मैंने। यहाँ पे चाणक्य में आपको अगर ठहरना हो तो रूम भी अच्छे हैं काफी, मतलब बजट फ्रेंडली रूम है, बहुत बड़ा रूम नहीं है लेकिन बजट फ्रेंडली है, और हम जैसे लोगों के लिए, ट्रेवलर्स के लिए, मीडियम क्लास के लिए अच्छा है। और यहाँ पास में ही राफ्टिंग का होता है, तो स्पेशली अगर आप राफ्टिंग के लिए आते हैं और ऋषिकेश की भसड़ से बनना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो यहाँ पे आ सकते हैं चाणक्य में। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, कहाँ के दीपक भाई, हैप्पी बर्थडे टू मी डियर, हैप्पी बर्थडे टू मी। ये दोस्तों आज है 14 मार्च, और मतलब 13 मार्च से जस्ट 14 मार्च हुई है, और मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा है दोस्तों के द्वारा। मैं ऋषिकेश में आया था और मुझे जगा के 12 बजे बाकी है, 12 बजे रात जय वहाँ के वाइफ भी साथ में है, उन्होंने एक सरप्राइज केक दिया है और अब हम केक काटेंगे। और ये जो है हमारे MSK के छोटे भाई भी इसके ये ब्लॉग भी कर रहे हैं, और ये मेरा दाव ब्यूटीफुल केक है, और कई 100 साल बाद मेरा केक कट रहा है। वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या क्या बात, ये डेडिकेशन 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 है वाराणसी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। लिए अब इसको हम कितने साल बाद मिल रहे, हजारों साल बाद, कितने साल बाद, कई सौ साल तो हो गए एक कैम के साथ जो है अपना काटते हुए केक। अरे डीजे मत बजाओ, बाकी लोग सो रहे हैं, हमें जाए तो छोड़ो, हम नाच लेंगे ऐसे मोबाइल में गाना लगा के, लोग सो रहे होंगे जान दो परेशान मत, ठीक है। अरे मत बजाओ यार, हां रहे तो लोग सो रहे होंगे, क्यों परेशान, मत बजाइए, हम मोबाइल में, नहीं बजा नहीं बजा रहा हूं, बंद कर रहा ले जा रहे हैं भैया।